जब तुझे मना करा था, मर्दानी रिया से मिलवाया भी था, फिर तू क्यों दोबारा से रिया से बात कर रहा है? भैया वो लड़की है, जिंदा लड़की है। तेरे से एक असली लड़की बात कर रही है? तू मिला है उससे? जा, मैं मिला उससे। फिर क्या हो रहा है ब्रो? जैसे उसके मैं आगे जाता हूँ, मैं मस्त मटाले से होकर के सौरभ सन्नाटा बन जाता हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। छोड़ के तो वैसे भी जाएगी। हाँ हाँ, क्या कह रहा था ब्रो? वो छोड़ के चली जाएगी। देख, अगर तू सच में चाहता है कि वो तेरे संग हमेशा रहे, तो तेरे को उसके होठों की जगह नोटों की बातें करनी है, सुंदर चेहरे की जगह सुंदर भविष्य के बारे में बातें करनी है। जो वो तेरे को बोले, तेरे को ये बोलना है सब कुछ बिल्कुल सही है। तू ऐसे ही फोकस करेगा तो तेरा हनीमून सूरज कुंड की जगह स्विट्जरलैंड में मनेगा। समझ में आया तेरे को? और बताओ ब्रो, अगर नहीं कर पा रहे हो तुम अपने प्यार का इजहार, अगर आ रही है तुम्हारे रिश्तों में तकरार, अगर आप चाहते हो तुम्हारे जीवन में हो जाए सक्सेस का चमत्कार, घर में आ जाए लप लपाती हुई कार, बार बार प्रमोशन होता जाए लगातार, तो ब्रो भटनागर की यही है पुकार। उसका छोटा भाई राहुल भटनागर कर रहा है पब्लिक स्पीकिंग का वेबिनार, अभी जाके रजिस्टर करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।